दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई की टीम पहुंची है। माना जा रहा है कि सीबीआई की यह कार्रवाई दिल्ली सरकार की एक्साइज पॉलिसी को लेकर है। दरअसल पिछले दिनों दिल्ली के उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी और एलजी वीके सक्सेना ने मुख्य सचिव की रिपोर्ट के बाद यह कदम उठाया था। इसी को लेकर हमारे साथ फोनलाइन पर जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मयंक त्यागी जी। सबसे पहले तो आपका एवन टीवी में बहुत बहुत स्वागत है मयंक जी। शुक्रिया मैम, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मयंक जी, जिस तरह से मनीष सिसोदिया के घर सीबीआई पहुंची है और अब छापेमारी की जा रही है, किस तरह से आम आदमी पार्टी इसको देख रही है और अब आगे की स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई जा रही है? जिस तरीके से कल ही अमेरिका के सबसे बड़े अखबार एनवाईटी ने अपने फ्रंट पेज पे दिल्ली के शिक्षा मॉडल की इतनी बड़ाई करी, परसों बिहार के शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम दिल्ली जाकर दिल्ली के शिक्षा मॉडल को देखना चाहते हैं, उसको समझना चाहते हैं। इस बात को सुनकर समझकर पूरी बीजेपी इस टाइम बिल्कुल खौफ में है कि ये क्या हो रहा है, किस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरे हिंदुस्तान में अब एक रोज कुछ आगे बढ़ती चली जा रही है। उसको रोकने के लिए सिर्फ एक साजिश है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, इसीलिए ये बदनाम करने के तरीके हैं। उनको लग रहा है कि किस तरह से हम आम आदमी पार्टी को रोकें, और मनीष जी हमारे मोस्ट सीनियर लीडर्स में से एक हैं। अरविंद केजरीवाल जी के पास अगर कुछ बड़े चेहरे आम आदमी पार्टी के हैं तो उनमें से एक मनीष सिसोदिया जी हैं, तो उनको रोकने के लिए, फंसाने के लिए साजिश है ताकि टीम अरविंद केजरीवाल जी कमजोर हो, पर इससे हम कमजोर होने वाले नहीं है और हम लोगों को इससे कोई घबराहट नहीं है। जी मयंक जी, लेकिन सामने बीजेपी भी ये बोल रही है कि सरकार के दावा है कि एक्साइज पॉलिसी को लेकर ये छापेमारी की गई है और एलजी की तरफ से अगर उन्हें छापेमारी करनी थी तो एलजी के ऑफिस पे करते। एलजी साहब ने दो बार एक्साइज पॉलिसी देखने के बाद साइन ऑफ की थी, क्यों नहीं उन्होंने उसको उनको लेकर उसको छापेमारी कर रहे हैं? ये छापेमारी सिर्फ मनीष सिसोदिया जी के ऑफिस क्यों हो रही है? अगर उनको छापेमारी करनी है तो बीजेपी एलजी के ऑफिस पे करे ना, क्योंकि मोस्ट फाइनल साइन सिग्नेचर अथॉरिटी तो एलजी थे। साइन करते टाइम तो उन्होंने कुछ नहीं कहा, अब उनको ये बातें आ रही है, वो जबरदस्ती एक मतलब फेक है, सब कुछ फेक है और जबरदस्ती फंसाने के लिए कोशिश की जा रही है और उससे ज्यादा कुछ नहीं, और अपनी चाल में कामयाब हो नहीं पाएंगे। जी मयंक जी, आखिरी सवाल लेना चाहूंगी। मनीष सिसोदिया ने कहा है कि हम सीबीआई का स्वागत करते हैं, हमारे पे कई ऐसे केसेस लग चुके हैं लेकिन उसमें भी कुछ सामने नहीं आ पाया है, अब भी कुछ नहीं निकलेगा। हाँ, 100% ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी है। हम सब जानते हैं कि आज तक तो कभी आम आदमी पार्टी के दामन में कोई दाग निकला नहीं, और लगा है तो उसको बाहर वाली दुनिया को तो क्या पकड़ेगी, हमारी तो खुद इन हाउस इतनी स्ट्रांग टीम है भ्रष्टाचार के खिलाफ, केजरीवाल साहब इतने स्ट्रांग है, वो 100% इस चीज पर ध्यान देते हैं कि किसी भी तरीके से हम लोग फंस नहीं जाए, हमें इन चीजों में पड़ना नहीं चाहिए। आम आदमी का जो पैसा है वो आम आदमी के पास पहुंचना चाहिए, हमारे नेता इस सब चक्रों में ना फंसे, और जब जब ऐसा हुआ है या कुछ घटना घटी है तो उनको हमने एक्सपोज किया है, हमने उनको गिरफ्तार करवाया, तो हमको इस सब में फंसने की हमें मालूम है, हम इससे बहुत दूर है। जी मैं तमाम प्रतिक्रिया देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ जुड़े होते हैं आम आदमी के प्रवक्ता मयंक त्यागी, जिन्होंने पूरी प्रतिक्रिया दी कि किस तरह से सीबीआई परेशान कर रही है और मनीष सिसोदिया के घर ये छापेमारी की गई है, ये सब फेक है उनका ये कहना है।